प्रदेश में एक बार फिर से बर्फबारी और बारिश हुई है, जिससे ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। लेकिन अभी कुछ दिन और मौसम इसी तरह सताता रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अभी कुछ दिन मौसम खराब रहेगा, जिसके चलते प्रदेश के निचले हिस्सों में बारिश और ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी होगी। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में लगभग सभी स्थानों पर बारिश या बर्फबारी हुई है। इसमें मुख्य रूप से जो हमारे जो सिरमौर, किन्नौर और जो शिमला के ज़िले हैं, यहाँ पे बर्फबारी और बारिश ज़्यादा हुई है। जैसे कि संग्रहा में जो है 72 मिलीमीटर बारिश हुई है, कोटखई में 55 मिलीमीटर बारिश हुई है, धर्मशाला में 40 मिलीमीटर, सोलन जोगिंद्रनगर में 30 मिलीमीटर, पछाड़ में 28 मिलीमीटर, रोड़ी खेरी में 27 मिलीमीटर बारिश हुई है। इसके अलावा जो बर्फबारी का रिकॉर्ड आया है, उसके हिसाब से खतराला में 39 सेंटीमीटर बर्फ़ पड़ी है, कुफरी में 35 सेंटीमीटर, डलहौजी में 25 सेंटीमीटर, कल्पा में 22 सेंटीमीटर और ठियोग और धर्मशाला ठियोग में 15 सेंटीमीटर बर्फ़ पड़ी है और शिमला शहर में 7 सेंटीमीटर बर्फ़ पड़ी है। आने वाले दिनों में कैसा रहेगा? जो मौसम का पूर्वानुमान है, उसके हिसाब से आज प्रदेश में कुछ जगहों पे बारिश या बर्फबारी हो सकती है ऊंचे पहाड़ों पर। इसके अलावा एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस प्रदेश को कल से यानी कि 20 तारीख से प्रभावित कर रही है, जिसकी वजह से 20 और 21 को हमने जो है हमने पूर्वानुमान जारी किया है कि प्रदेश में लगभग सभी स्थानों पर बारिश या बर्फबारी होगी। और 20 और 21 तारीख के लिए हमने चेतावनी भी जारी की है कि एक दो स्थानों पर भारी बारिश या बर्फबारी हो सकती है। इसके अलावा जो प्रदेश के निचले इलाके हैं, मैदानी इलाकों में जो है कुछ स्थान एक दो स्थानों पर ओले भी पड़ सकते हैं। 21 तारीख के बाद मौसम धीरे धीरे साफ होना शुरू हो जाएगा। 22 तारीख को कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या बर्फबारी होगी और 23 तारीख को एक दो स्थानों पर बारिश या बर्फबारी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।